हाल? क्या वो सब खैरियत तो है? मुझे सानिया ने फोन करके बताया कि क्यों तुम्हें क्यों बताया कॉल करके? क्या वो खुद नहीं आ सकती थी? हाँ वो रास्ते में है, मुझे फोन करके बताया तो मैं पहले आ गया। कमाल, वो भी रास्ते में है और तुम यहां पहले पहुंच गए। निहाल, हॉस्पिटल मेरे ऑफिस से करीब था इसलिए मैं पहले पहुंच गया। क्यों, क्या ताल्लुक है तुम्हारा मेरी बीवी के साथ? तुम्हारी बीवी सानिया की कसम है, हमारे घर पे पली बड़ी है। आगे अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे घर में नहीं, अपने चचा के घर पली बड़ी। इसलिए तुम्हारा उसके साथ किसी भी किस्म का ना कोई वास्ता है ना रिश्ता। क्या बात है बेटा, अब मीना कहाँ है? निहाल भाई, ये किस तरह बात कर रहे हैं आप असलान से? मैंने इसे यहाँ इसलिए बुलाया था कि आपको सहारा देगी। बात तो मुझे किसी किस्म के कोई सहारे की जरूरत नहीं। आप अपने शौहर से कह दीजिए क्या आइंदा मेरी बीवी की खैर खबर रखने की कोई सहमत न करे। जाने कौन सी गीदर सिंगी है इस बदबख्त के पास, हर कोई उसकी ही बात करता है। बिना यूं बिना यूं मेरा तो बस चले तो वहीं अस्पताल के बिस्तर पे कफन पहना दो उस कमबख्त को। कफन से याद आया, मैंने शहरयार के ऊपर वाले कमरे की अलमारी में तो चेक करवाया ही नहीं। क्या पता शहरयार घर की फाइल वहां रख के गए हों। जाके देखती हूँ खुद ही, सानिया को तो उस मनोज से फुर्सत ही नहीं है।